Oh,
जिसमें एक व्यक्ति के सिवाय दो व्यक्ति उधर जा ही नहीं सकते, उसमें दो व्यक्ति जा ही नहीं सकते। इस तरफ में देखना जो पर्वत है वो काला रंग का है, काला रंग मतलब कन्हैया, और इधर का जो पर्वत का रंग है गोरे, मतलब राधा रानी गोरी है। मानो राधा और कृष्ण दोनों का ये जुगल मिलन वो स्थान से साकिर को कहते। उसका जो रोड जो बीच में गया वो इतना पतली रास्ता क्यों है, कारण क्या? बोले कारण बताए, बोले प्रेम मार्ग अति साकिरी ताहे ना दोए समाए। कहते जो प्रेम का जो मार्ग है जो रोड है वो बड़ी पतली है, बोले उसमें दो नहीं समा सकते। मतलब है भगवान की जो भक्ति है वो एक मन से करना पड़ेगा। आज इसी देवता को पूजा कर लिया है, मंगलवार आया तो किसको पूजा कर लिया हनुमान को, सोमवार आया तो शंकर जी के मंदिर में चले गए, बुधवार आया तो गणेश जी के पास में चले गए। बोले ऐसे नहीं,
जैसे मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना कोई। हाँ, भक्ति ऐसे करना पड़ेगा। जैसे गोपियां कहती है उद्धव को, उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संग को आराधे इस है। इसलिए जब उद्धव जी ब्रज में गए, गोपियों को ध्यान की शिक्षा दी, तब गोपियां क्या कहती है, बोले उद्धव मन एक दस बीस थोड़ी है, कृष्ण जब ब्रज छोड़ करके चले गए, हमारी मन तो कन्हैया को साथ में गया है, ध्यान तो मन से होता है ना, लेकिन मन तो दस बीस है ही नहीं, मन तो एक है। जिसको ध्यान करोगे एक सही ध्यान कर सकते हो, लेकिन हम तो हमारे मन में तो कन्हैया ही बैठा हुआ है, हमारे मन में और कोई नहीं बैठा है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मन मना भव, ये जो मन है और किसी को मत दिया करो, किसको दो, मुझे दो। ये मन केवल मुझे ही दो, मत भक्त भव। अगर भक्त बनना तो किसका बनना, बोले मेरा ही भक्त बनना, और किसका नहीं है, और किसका नहीं, बोले 33 करोड़ जो देवता है, कितना देवता है, 33 करोड़। बताओ दिन में अगर 1 करोड़ देवता को पूजा करोगे, एक महीना में कितना हो गया, 30, फिर 3 करोड़ बाकी रह गया ना। और आज अगर उसको पूजा करो, फिर दूसरा देवता मुंह फुला कर बैठ जाएगा, दूसरा को पूजा कर दे, चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा है। इसलिए अभी कितने खुश करोगे, कितने खुश करोगे, लेकिन कृष्ण ऐसे के देवता है, अगर कृष्ण अगर खुश हो गए ना, सारा विश्व ब्रह्मांड खुश हो जाएंगे, हमें दर दर भटकने का कोई जरूरत नहीं। बोले एक साधे सब साधे, और सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए, सब जाए। इसलिए जितने भक्तों का जीवन पर चरित्र पढ़ोगे ना, देखोगे एक को ही एक मन से साधन किया, तभी वो भगवान मिले। बताओ हनुमान किसको पूजा करते थे, राम जी को, राम बहना। तुलसीदास की जो पूजा करते थे, राम जी को। गोपियां किसको पूजा करते, कृष्ण को। मीरा किसको पूजते थे, कृष्ण को, कृष्ण को ना। इसलिए जो उपासना की ना, एक को ही पूजा की है। इसलिए बोले एक साथ है, बैठो बैठो, बोले एक साथ हो गया, कितना कितना प्यारे हो गया, एक एक बैठो, बोले एक साथ है सब साथ है, और सब साथ है सब जाए। इसलिए कहते हैं एक मन से भगवान को पुकारनी चाहिए, दो मन से नहीं तो ठाकुर जी बोले एक मुसलमान हिंदू में लड़ाई होगी, मुसलमान बोला हमारा अल्लाह बड़ा, हिंदू बोला मेरा बड़ा भगवान बड़ा है, बोले देखते चलो पेड़ के ऊपर चढ़ करके अपना अपना इष्ट का नाम लेकर के हम छलांग लगाएंगे, जो बच जाएगा ना समझेगा उसका ठाकुर बड़ा है। अभी मुसलमान चढ़ा, उसका एक अल्लाह है, और एक मन से एक अल्लाह को उसने पुकारा, बोले अल्लाह अगर तू सच्चा है, तेरा नाम को लेकर के मैं कूद रहा हूँ, मेरे लाज बचाना, वो छलांग लग गया तो उसको कुछ नहीं हुआ। अभी हिंदू चढ़ा, लेकिन इसका तो मन एक में है, तो मन तो बहुत है। इतने में उन्होंने गणेश जी को पुकारे, हरि बोल, इसका बेटर बेटर हरे कृष्ण। इसलिए उन्होंने गणेश जी को बुलाए, बस गणेश तो, गणेश जी का बहन कौन है, अरे बोलो गणेश जी का बहन कौन है, चूहा। इतने में गणेश जी चूहे के ऊपर बैठने जा रहे थे, गणेश जी चूहे के ऊपर बैठने जा रहे थे, फिर सोच रहा है भैया उसकी मैया को थोड़ा क्यों नहीं पुकार लिया, बोले हे देवी मैया मेरी लाज बचा। अभी मैया देवी ने देखा, बोले पहले तो गणेश जी को पुकारा, उसको बाद में देवी को पुकार रहे, अभी देवी मैया भी तैयारी हो गई आने के लिए, फिर सोचा उसके बाप को क्यों थोड़ा स्मरण नहीं कर। इसलिए सिर्फ शंकर जी को है, शंकर जी को पुकार पुकार तो पुकारता ना, लास्ट में छलांग लगा, हाथ भरी टूट गया। जब उसने ऊपर पहुंचा तब गणेश जी को पूछा, आपको मैंने बुला लिया था, आप क्यों नहीं आए, बोले तो हम आने के लिए तैयारी थे, लेकिन तू मेरे को तो पुकारा, लेकिन पुकार कर भरे भैया को पुकारना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कहा भैया जब मेरे में निष्ठा नहीं, मैं भाग चला गया। फिर माता देवी को पूछे, बोले माता जी तेरे नाम लेकर छलांग लगाना चाह रहा था, तुम क्यों नहीं आई, बोले तू मैं तो तैयारी था जाने के लिए, तू फिर भोले बाबा को पुकारना शुरू कर दिया। फिर भोले बाबा को बोले तुम क्यों नहीं आए, बोले तू फिर हनुमान जी को पुकारना शुरू कर दिया, लाठ छलांग लगा, हाथ पैर टूट गया। देखो यहाँ से क्या देते हैं भैया, जो मन है ना दसवीं से नहीं है, ये मन एक ही है, इसलिए जिसको पुकारना एक मन से पुकारोगे ना, फिर तो सिद्धि मिलेगा। लेकिन ऐसे एक देवता को पुकारना है, जो एक देवता को पुकारो जो सबका पुकारना हो जाए, भले वो कौन है, भले ये बांके बिहारी, कौन है बांके बिहारी, ये कृष्णा,
क्योंकि कृष्ण के अंदर में ये सारे देवता, कृष्ण के अंदर में सारे देवता। जब तुम कृष्ण की पूजा कर ली, सबका पूजा अपने आप हो गया, ठीक है ना। इसलिए बरसा नामी जो जो रोड है उसका नाम साकिरी कोर है, मतलब प्रेम गली अति साकिरी ताहेना द्वये समाए। जो प्रेम का जो मार्ग है वो बड़ी पतली मार्ग है, उसमें दो नहीं समा सकते, वो एक ही है। मतलब एक मन से भगवान को भक्ति करना पड़ेगा। इसलिए वहीं पर वो स्थान जो हम भजन गा रहे हैं ना, वो वहाँ का ये भजन है। मतलब एक समय कृष्ण सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए गए, लेकिन उसी दिन घर से नाश्ता लेकर गए नहीं। सखा ने कहा कन्हैया पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लग रहा है, कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दे। बोले चिंता क्यों करते हो, आओ मेरे साथ में। आए वो जो साकिरी खोर वहीं पर खड़े हो गए। एक गोपी मटकी में दूध दही मक्खन लेकर के जा रही थी, कृष्ण पहाड़ को पर चढ़े और एक पत्थर उठाए और मटकी को मारे। मारते ही मटकी तो फूट गई और जो गोपियां थी वो दूध दही से पूरा पूरा स्नान कर लिया। स्नान करके वो आ करके उनका जो लीडर है श्री राधा रानी, अब ये राधा रानी से शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है, मेरे नंद जी को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो डेला। और कृष्ण राधा रानी को शिकायत कर रही है, बोले राधे आज क्या हुआ तेरे को पता है। बोले क्या हुआ। बोले पता नहीं, कन्हैया आए और पहाड़ के ऊपर उठ करके पत्थर मारे और मटकी फोड़ करके दूध दही सखाओं ने लुटपाट कर खा ली, मैं अकेली थी। बोले क्या, कृष्ण नंदगांव से आकर के इतना साहस हो गया बरसाना में, ये घटना कहाँ पर है। बरसाना, बरसाना हमारी राज्य है। बरसाना किसके राज्य है, राधा रानी का। इसलिए कहता सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, इसलिए गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। इसलिए उसका इतना हिम्मत हो गया हमारे राज्य में आकर के हमारे ऊपर में ताकत दिखा रहे हैं। कोई चिंता मत करो, देखो आज मक्खन मिश्री खाए ना उसको मुंह में लगा हुआ होगा, फिर वो कल भी ऐसा आएगा। एक काम करो, सब के सब आस पास में जितने हैं, जितने कुंज सब के सब छुप जाओ, और जैसे पहले कल गोपी की गई थी आज भी जाए। अगर फिर आक्रमण करे ना तुम होइसल मारना, फिर देखना हम क्या करते हैं। वो तो पहले दिन खा कर गए मुँह में लगा हुआ मक्खन मिश्री, फिर दूसरे दिन ही आए। जब आए फिर जब जा रहे थे फिर कृष्ण सखाओं के साथ में आक्रमण किया, तो वो गोपी ने हुई मारे है। जैसे पुलिस आते ना चारी तरफ में गोपियां, एकदम लाख लाख गोपियां चारी तरफ में घेर गई और कृष्ण को पकड़ लिए, पकड़ करके और कृष्ण को गुलचा मारने लग गए। सखाओं को चोटी पेड़ के ऊपर बांध दिए। सखाओं ने कहा देखो इसमें हमारी कोई दोष नहीं, हमारा जो लीडर है ये कन्हैया है, ये जैसे बोलता है हम वैसे करते। बोले ये लीडर है, बोले उसको भी मजा चखाता हूँ। कृष्ण को क्या क्या लहंगा चुंदरी पहना है, पहना करके उसको ऊपर में तीन चार मटकी धर दिए और एक गोपी गई इसको ऊपर पहाड़ के ऊपर और उठाया पत्थर और मारे। मारते मटकी फूट गई और कृष्ण दूध दही से कृष्ण स्नान कर लिया। बोले और करो कान पकड़ो, देखो परम ब्रह्म परात पर तत्व तो भगवान बांके बिहार कान पकड़े। बोले उठ बैठ, एक से एक बार उठ बैठ करो। कृष्ण को उठ बैठ कर, बोले और ऐसे करोगे। बोले भैया और कभी ऐसे नहीं करोगे। इसलिए ये जो लीला है ना, ये बरसाना की लीला है। इसलिए यहाँ पर जो भजन गाते हैं, मेरे नंद जो को लाला अलबेला मेरी मटकी में मार गयो Thank you.
Hare Rama, Hare Rama, Rama
कहते चार ही तरह से जीव का कल्याण करता है। कितने तरह से? चार तरह से। क्या क्या बोला? हाँ, इसलिए भागवत में बताए बोले सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनेनावेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। कहते जो श्लोक है ये कौन कह रहे हैं? कहते ये भगवान की जो भक्त लोग ये बात कह रहे हैं कि जो भगवान का नाम चार ही तरह से भगवान का नाम कल्याण करता है। बोले ये कब ये बात को कह रहे हैं? बोले जिस समय अजामिल ने उसका छोटा बेटा का नाम रख दिया नारायण। क्या रख दिया था? नारायण। नारायण जब नारायण ने नाम रख दिया, अभी उसने जैसे आपका जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, देना जी सबसे ज्यादा प्यारा होता है, जो सबसे छोटा बेटा सबसे ज्यादा वो प्यारा होता है। अभी उसने बारम्बार अपना छोटे बेटे को नारायण 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 बारंबार ये बोलता है, हैं? बारंबार बोलता है, बोलते बोलते अभी ऐसे करते करते उसका मृत्यु का समय आया, उसका मरने का समय आया। मरने का समय आया तो हम जो कर्म करते हैं, माता जी पानी बंद कर दो, जब कीर्तन होगा पानी अभी रख लो। इसलिए जब उसको मरने का समय आया हम जो कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जमदूत आते हैं। कितने जमदूत आते हैं? तीन। क्योंकि हम काय मन और वाक्य से पाप कर्म करते हैं, इसलिए मरते समय तीन जमदूत आते हैं। और तीन जमदूत आ करके उसने जो पाप कर्म किया, बोले क्या पाप कर्म किया? बोले ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, सारे सद्गुण संपन्न था, लेकिन एक समय वो यज्ञ के लिए, वो लकड़ी लेने के लिए, कुछ फल फूल लेने के लिए जंगल में गया और देखा एक शूद्र और एक शूद्राणी वो शराब पी करके एकदम नंगे होकर के विहार कर रहे। इतने में उसने जब देखा वो देखते रह गया, आंख को वापस नहीं लौट पाया। जैसे उसका हृदय में वो फटो खींच गई, फटो खींच गई। तो जब उसने वापस आया, वापस आ करके बारम्बार उसको घर में ब्राह्मणी है, कम उम्र की, देखने में सुंदरी, कम उम्र के घर में उसकी है, हैं? सुंदरी ब्राह्मणी कम उम्र की। देखो ये गंदी संगत कितने बुद्धि को खराब करता है। अजामिल जैसे व्यक्ति सारे सद्गुण संपन्न ब्राह्मण घर में जन्म हुए, सबको सेवा करने वाले, आदर करने वाले, लेकिन एक बार वो गंदी चीज को देखा तो बुद्धि खराब हो गई। अपना पत्नी ब्राह्मणी को त्याग दे दिया, त्याग देकर को जो वेश्या शूद्राणी थी अभी उसको साथ में रहने लग गए। इसलिए अभी जो स्मार्टफोन फाटफोन सब आया है ना, ये क्यों ये डाइवर्स फाइवर्स उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? इसी वजह से सब हो रहा है। बच्चे सब गलत रास्ता पर क्यों जा रहे हैं? ज़्यादा संग किसको करते? स्मार्टफोन की करते। पिता माता की बात नहीं सुनते हैं, पिता माता की बात नहीं सुनते, इसलिए इतने उल्टा पुल्टा ये स्मार्टफोन आया ना, ये साक्षात कली नहीं ये रूप धारण करके आया, एकदम सबका बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए आया है, हैं? इतने अच्छे व्यक्ति एक बार गंदी चीज को देखा तो बुद्धि खराब हो गई। अरे हम तो कौन सा खेती के मूली, क्या कहते ना, क्या इसलिए हम देख करके सही अपना मन को सही रख पाएंगे, हैं? इसलिए कहते भैया गंदी चीज को मत देखा करो, उल्टा पुल्टा चीज क्यों जैसे देखोगे वैसे ही सोचोगे तुम। इसलिए उसने
क्या किया, उसने सुद्राणी को साथ में रहा और उसको 10-10 बच्चे हुए। सबसे छोटा बेटा का नाम हिंदू तो था ही, उसका नाम रख दिया नारायण। अब उसने जो बारंबार नारायण 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 बोलता था और मरते समय तीन जमदूत आया तो देखा बच्चे को दूर में खेलते हुए, इतने में अपना बच्चे को जोर से बुलाया, बोले बेटा नारायण। कितना खेरे चार। जो भगवान की जो विष्णु दूत है यहाँ भी है, ये सर्वत्र विचरण करते हैं। भगवान की भक्त सर्वत्र, जहाँ उनका नाम लोगे ना वहाँ झट पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी है, हैं यहाँ पर भी है। अगर कोई विपत्ति आए उनको बुलाओ झट वो आ जाते हैं। जब नारायण बोले इतने में माँ भयो कोई डरने का बात नहीं, कोई डरने का बात नहीं, हम तुमको रक्षा करेंगे। सिद्ध आकर बोले तुम लोग कौन हो, बोले हम धर्म राजा का दूत है। बोले धर्म ना का नाम पर अधर्म करने जा रहे हो, हैं बताओ ये अजामिल ये वैष्णव है, अजामिल ये वैष्णव, उसको लेने के लिए क्यों आए, इसलिए आए। तब जमदूत विष्णु जमदूत ने बोले तुमको पता ही ये कौन है, पता ही ये तुम कौन है। तब वहां पर एक अच्छी बात बताई, बोले एक व्यक्ति तीन जन्म का बात को पता लगा सकता है। कितना है? कैसे बता? एक व्यक्ति हम लोग अभी अपना तीन जन्म की बात को हम पता लगा सकते हैं। बता सकते हो कैसे? देखो ये कौन कह रहे हैं, ये जमदूत ये बात को कह रहे हैं। पहले हमने जैसे कर्म किया है ठीक वैसे ही घर मिला, वैसे ही पति मिला, वैसे ही पत्नी मिली, वैसे ही बच्चे मिला, वैसे ही पैसा मिला। क्यों? धर्मराज का विचार है ना। हम जैसे जैसे देखना किसकी पत्नी बड़ी अच्छे स्वभाव से अच्छी होती है, बड़ी पति परायण होती है, बड़ी सेवा करने वाले, लेकिन किसकी पत्नी एकदम बात नहीं सुनती, एक बल तो 10 सुना देती है। किसका बेटा देखना, किसकी बेटा देखना बड़े अच्छे होते हैं, सवेरे उठकर पिता माता के चरण छूते हैं, पिता माता का सेवा करते आदर करते, लेकिन किसका बच्चा इतने उत्पटक होता है, यदि शायद पूर्व जन्म का शत्रु ये मेरा बेटा बन गया। बोलते ना पूर्व जन्म का शत्रु मेरा, ये बात एकदम सही बात है, झूठ बात नहीं है। इसलिए हमने जैसे जैसे कर्म किया है ये कर्म के अनुरूप हमें पुत्र परिवार भाई बंधु जो कुछ मिले पूरा पूर्व जन्म का पूरा कर्म का अनुरूप। इसलिए इसी जीवन में हम क्या पता लगा सकते हैं, पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किया है, ठीक वैसे सब कुछ मिला। पर अब इस जीवन में तो पता ही चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं, तुम्हारे जीवन में पता चल रहा है ना, इस जीवन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता चल रहा है। बोले इसी जीवन से अगले जीवन को भी हम पता लगा सकते हैं, इसी जीवन से अगले जीवन को भी हम पता लगा सकते हैं कैसे जन्म लेने वाले हैं। क्यों? अगर अच्छे कर्म करोगे बढ़िया कर्म करोगे फिर बढ़िया सब कुछ मिलेगा, अगर बुरा कर्म करोगे उल्टा उल्टा गंदा कर्म करोगे गंदा फल मिलेगा। इसलिए जमदूत स्वयं कह रहे हैं एक व्यक्ति तीन जन्म का बात को पता लगा सकता है, ये तीन जन्म के बाद ये पता लगा सकता है। इसलिए जमदूत कहते तुम्हें पता ही ये व्यक्ति कौन था, ये ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मण ही है, सारे सद्गुण संपन्न था, लेकिन ये वेश्या के चक्कर में पड़ करके पत्नी परिवार सबको उसने त्याग दिया और वो सुद्राणी को साथ में रहा, उसको हाथ में उल्टा पुल्टा मांस मछली मदिरा मांस मछली सब गंदा गंदा चीज खाया, सारे पाप कर्म किया इसने, ऐसे कई कर्म ने जो इसने किया नहीं, तुम्हें पता है इसने क्या किया, बड़े पाप कर्म किया, सीधा नरक जाएगा। फिर 10-10 बच्चे हुए, फिर उनको पालन करने के लिए अकर्म कुकर्म से उसने पैसा कमाया गंदे गंदे काम करके, सीधा नरक जाएगा। इतने में इसको सुनते ही विष्णु तो हा 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 करके जोर जोर से हंसने लगे, बोले देखो कितना अधर्म है, कितने अधर्म है। अगर बच्चा अगर माँ की गोद में सर रख करके सो जाता है ना, आप देखना निश्चित होकर सो जाता कि नहीं, क्यों कहाँ पर सर रख सो रहा है, अपना माँ की गोद में। उसको पता है जब मैं माँ की गोद में सो जाता हूँ भैया मेरे को रक्षा करने वाले भैया है, कोई मेरे ऊपर विपत्ति आने वाले नहीं। अगर बच्चा अगर माँ की गोद में लेट जाए, अगर उसी मैया ही उसको गला काट दे फिर क्या होगा, उसका गला काट दे फिर क्या होगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले देखो इसने ये वैष्णव है भक्त है, बोले क्यों, बोले इसने भगवान का नाम को लिया है। क्या क्या? भगवान का नाम को उसने ग्रहण किया,
जब ठाकुर का नाम ग्रहण किया उसका पाप क्या रह गया उसकी? बोले भगवान का नाम कब लिया? बोले अभी अभी लिया ना, अभी उन्होंने नारायण नाम लिया। बोले नारायण नाम लिया वो भगवान का थोड़ी बुला रहे थे, वो किसको बुलाया था? अपने बेटे को। जोर से बोलो, बेटे को। वो अपना बेटे को बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया था। बोले तो अपने बेटे को बुलाया, नारायण आ जा। बोले नारायण आ जा, उसने बेटे को बुलाया। देखो विष्णुदूत क्या कहते हैं, कहते भगवान का जो नाम, उसने जो बेटा का नाम नारायण रख लिया ना, उसी समय में ही उसका सारे पाप खत्म हो गया। क्यों? भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं। इसलिए कहते ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। आजल डुबत गजराज पुकारा, आए नामी को चिंता रहती है, 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 नाम ना हो शक्ति। ये चीज को देखो, ठाकुर का नाम में कितने शक्ति। इसलिए उसने ये कौन कह रही है? विष्णु तो कह रही है बात को। बोले जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया पहला बार, बस नारायण नाम लगते ही उसका बड़ा पार हो गया, उसको उद्धार हो गया। लेकिन उसको बाद में बेटे को आप बुलाते ना, बेटा मेरी गोद में आ जा, बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा, बेटा नारायण क्या कर रहे हो, नारायण मेरे लिए पानी ले आ, नारायण तू कहाँ हो। जैसे बच्चे को बार बार बुलाते हैं ना, जैसे हम लोग माला में नाम जप करते हैं, माला जप करते हैं ना, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलो, कहते बेटे को जो बारंबार बुलाता था, बेटा इधर आ जा, नारायण तू कहाँ हो, नारायण पानी ले आ, नारायण ये काम कर दो, जैसे बारंबार बोलते हैं ना हम लोग बच्चे को, उस समय जैसे हम माला जप करते हैं वो माला जपना हो गया। देखो बच्चों का नाम रख, भगवान का नाम रखने पर कितने लाभ है। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, सब बच्चों का नाम कृष्ण गोविंद दामोदर है, सब बड़े बड़े जितने पुराने व्यक्तियों को देखो, सब ठाकुर का है, राम लाला लक्ष्मण सब ऐसे नाम रखते थे ना, भगवान और भक्तों का नाम। क्यों? उसको गीता भागवत पढ़ते थे। अजा मिले अगर बेटा का नाम ले लेकर उधार हो गया, हम क्यों उधार नहीं होगी? गीता भागवत रामायण पढ़ते थे,
लेकिन अभी क्या पढ़ते हैं, गीता रामायण तो पढ़ते नहीं, दिन भर टीवी को सामने बैठते हैं, स्मार्टफोन लेकर दिन भर बैठे हुए हैं, उसको अकल बुद्धि कहाँ से आएगा? भगवान की हाँ, भगवान पढ़ते तो है ही नहीं, कहाँ से इनकी बुद्धि आएगी? इसलिए उसने जो बारंबार बेटा का नाम उसने लिया है, कहते हैं ये हो गया क्या, भगवान का नाम जब हो लिया, लेकिन जब अंतिम समय में उसने जब बेटा का नाम लिया है, बेटा का नाम लिया, अपने बेटा का नाम किसका है? भगवान का। वो बताया ना भाई, अपना बेटा का तो बेटे को तो बुलाया थोड़ी, भगवान को बुलाया, वो तो अपने बेटे को बुला रहा था, ठाकुर को तो बुलाया है। ये कौन कह रहे हैं? जमदूत कह रहे हैं, लेकिन विष्णुदूत कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले वो जो नाम, अगर किसका नाम राम रख लिया, किसका नाम कृष्ण रख लिया, किसका नाम ये है? भगवान का, भगवान का नाम, नाम उसी का नाम, लेकिन धराया इसको, लेकिन नाम किसका है? भगवान का, लेकिन धराया इसको। इसलिए जब उसने भगवान अंतिम समय में उसने जो भगवान का नाम लिया, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जब जब व्यापी शरणम भाव त्यजंत अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। कृष्ण अर्जुन कह रहे गीता में बोले हे अर्जुन, अंतिम समय में तुम जैसे सोच सोच करके मरोगे ना, ही गति ठीक होगा। इसलिए भागवत में भरत महाराज ने हिरणों को चिंतन करते करते मरे, लास्ट में क्या हुआ? हिरण का शरीर, क्योंकि हिरणों को चिंतन करते करते मरे। अब देखना मरते समय क्या हो, आप लोग देखे होंगे जैसे पिता का शरीर छूट रहा है, सारे बहन चार तरफ में खड़े हुए, सारे दामाद, सारे बेटे कहते पिताजी हमें पहचान रहे हो, उनको तो आग बन रहे, थोड़ी सी खोलते हैं, बोले अब तो मैं बड़ी बेटी हूँ। कई बोला पिताजी ससुर जी सम हमें पहचान रहे, मैं आपको छोटा दामाद हूँ। बोले पिताजी मेरे को पहचान रहे, आपको मैं रोता हूँ। ये चारों तरफ सब गिरे हुए जमदूत सब चारों तरफ में गिरे हुए, और वो अंतिम समय में इनको देखते 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 सड़ गया। बस जिले कम से पोता नाती आए ना, बोले देखो उसका दादा जैसा अंगुल लग रहा है, हाँ उसका दादा जैसा अंगुल लग रहा है, उसका हाथ मतलब क्या है, आसक्ति है, फिर उसी संसार में जन्म लेता है, हैं उसी संसार में फिर जन्म लेता है, यही से जन्म मृत्यु का चक्कर में पड़े हुए। लेकिन एक चीज को अच्छे तरह समझ लो, लेकिन अगर घर में तुम्हारी सबके सब भक्त है, सबके गले में तुलसी कैठी है, सबके सब तिलक लगाते हैं, सबके सब हरिनाम जप करते हैं, अगर उसको चारों तरफ में तुम लोग घिरे हुए हो, अगर अंतिम समय में तुमको देखते देखते उसको प्राण त्याग देता है, क्यों? तुम्हारी गले में तुलसी कंठी है, तुम तिलक लगाते हो, गले में तुलसी की माला है, ये किसका चिन्ह है? बोले वैष्णव का चिन्ह है, ये संतों का चिन्ह है। अगर अंतिम समय भले ही तुम्हारी नाती हो, बीबी हो, बच्चे हो, अगर उनको अगर अंतिम समय देखते देखते जाओ ना, सीधा वैकुंठ जाओगे। कहाँ जाओगे? शास्त्र कहता सीधा तो वैकुंठ जाओगे। इसलिए हमारी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जिस घर में सबके सब गले में कंठी माला तिलक है वो घर नहीं है, वही तो भगवान का धाम, वही वृंदावन है, वही भगवान का धाम, वही वृंदावन धाम है। वृंदावन और कहीं नहीं, घर तुम्हारी वृंदावन है। अगर दिन भर टीवी खोल कर बैठ रहे हो, हरिनाम से कोई मतलब नहीं, प्रभु की भक्ति से कोई मतलब नहीं, स्मार्टफोन दिन भर लेकर के बेटा बेटी उसमें मस्त है, भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं, वो घर थोड़ी कदे शमशान, कोई शमशान है, वो घर घर नहीं है, हैं? इसलिए क्या करो, हर घर घर को भगवान के धाम का स्वरूप दो। इसलिए सबके सब घर में हरि नाम करे, भक्ति करे, भगवान के नाम जप करे, हैं? सब करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर विष्णुदूत कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम समय में उसने, हाँ भगवान कहते हैं, जब अंतिम समय में जैसे सोच सोच करके मरोगे वैसे ही गति मिलेगी, लेकिन इसलिए तो अंतिम समय भगवान का नाम उसने लिया है, ठाकुर जी का नाम को उसने ग्रहण किया है, ठाकुर जी का नाम। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो बोले जन्म जन्म मुनि जतन Jai Namah 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 Jai Namah
तुलसीदास जी बहुत एक अच्छी बात कह रहे, इसको अपना गांठ बांध कर ले जाओ। क्या करोगे? गांठ बांध। इसने सत्संग में आए, जब सत्संग खत्म हो गया बाबा को बोलना था, बोल कर चले गए। हमारे क्या मतलब, अपना पल्लू झाड़ कर गई नहीं, नहीं कुछ ले करके जाओ, जब आए हो कुछ ले करके जाओ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कोई कहते हैं ना, अरे अभी से भजन करने का क्या जरूरत है, देखो अजामली ने लास्ट में बेटा का नाम नारायण लिया, उधर हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया ऐसे नहीं, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंत राम कहीं आवत नहीं, अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, इतना आसानी नहीं। अंतिम समय में तो प्रभु का नाम ले लोगे, इतने आसानी नहीं, क्योंकि रील में जिंदगी भर जो भरोगे ना वही तो निकलेगा ना, जिंदगी भर रील में जो भरा हुआ होगा वही तो निकलेगा अंतिम समय में, क्योंकि रील में तुमने भरा जो चीज वही तो निकलेगा ना, निकलेगा जो अगड़ो बगड़ो में दुनियादारी जो भरे वही निकलेगा अंतिम समय में। इतने आसानी नहीं, भगवान के नाम तुम्हारी। इसलिए देखना इस जगत में जैसे कि बच्चा पढ़ाई करता है, जैसे कि बच्चा पढ़ाई करता है, जैसे कोई सीए कर रहा है, इंजीनियर, कोई डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है, अब देखना 25 साल पढ़ता है, कितना साल पढ़ता है, 25 साल तक पढ़ता है, लेकिन लास्ट जो उसको एग्जाम होता है ना, जिसमें उसको नंबर मिलेगा, जिसमें वो सेक्रेटरी नहीं तो इंजीनियर नहीं तो सीए बनेगा, देखना 1-2 घंटा का एग्जाम लास्ट में, उसी में ही वो अपना फर्स्ट मिल जाता है, उसी में ही 1-2 घंटा एग्जाम उसको लास्ट में जो फाइनल होता है नौकरी मिलेगा 1-2 घंटा, लेकिन उसको कितना साल पढ़ाई करना पड़ा, 20-25 साल तो बच्चा पढ़ा, फिर जाकर कहीं 1-2 घंटा में पास, वो 1-2 घंटा के लिए उसको 20-25 साल तक पढ़ाई। आप लोग पढ़े हो, कौन कौन पढ़े कॉलेज स्कूल में, देखना जब एग्जाम आ जाता है ना, बच्चे 15-15 घंटा 10-10 15-15 घंटा पढ़ता है, और रात भर पढ़ करके दूसरे दिन सारे पुस्तकों को दिमाग में लेकर ले जाता है, फिर जाकर एग्जाम देता है। ऐसे कितना साल, 20 साल पढ़ता है, तभी जाकर जब इस संसार का चीज के लिए तुमको एक साधारण नौकरी के लिए पैसा के लिए जो कभी सुख देगा ही नहीं, जिसको पैसा मिला पूछ लो सुखी हो तुम क्या, लेकिन भगवान के नाम तुम बोलोगे इधर उधर करेंगे जिंदगी भर, अंतिम समय में राम नाम कृष्ण लेंगे, इतना आसानी नहीं। इसलिए देखो ये श्लोक में दो अर्थ बताया, हिंदी तो समझता हूँ, कौन कौन हिंदी समझते प्यार को अच्छी तरह समझो, इसमें एक अर्थ है जन्म जन्म मुनि जतन कराए, मतलब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंत राम कहीं आवतना है, अंतिम समय में राम का नाम, ये एक अर्थ है, लेकिन एक दूसरा अर्थ है, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब ये मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं क्या होता है, तभी जाकर के अंत राम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम आएगा, और अंत राम कही फिर आवत नाही, फिर अगर अंतिम समय में प्रभु का नाम निकल गया तो संसार में आना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रहलाद महाराज बच्चों को क्या शिक्षा दिया, बोले कौमार आचरत प्राज्ञम धर्मान भागवता निह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थतम। देखो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, बोले बच्चों भक्ति कितने साल से करनी चाहिए, बोले 5 साल से भक्ति शुरू करनी चाहिए, कितने साल से, 5 साल से प्रभु का भक्ति करना शुरू कर दो, बच्चों को शिक्षा दे रहे। बच्चों ने कहा, बोले प्रहलाद अभी से क्यों भजन करेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, फिर उसको बाद में नौकरी चाकरी करेंगे, फिर शादीशुदा होएगी, बच्चे होएंगे, बच्चों को सब शादीशुदा करके ना जब रिटायर लाइफ हो जाएगा 1-2 माला कर लेंगे, तो ये 5 साल से क्यों भजन की बात कह रहे हैं, ये बच्चे लोग को प्रश्न कर रहे हैं। देखो ये प्रहलाद कितनी अच्छी बात कहते हैं, प्रहलाद कह रहे हैं तुम लोग जो बोल रहे हो है? अभी क्या भजन करेंगे, अभी क्या थोड़ी मर रहे हैं, जब बड़े हो जाएंगे करेंगे। प्रहलाद कहते भैया तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है क्या, किसको पास में गारंटी कार्ड है, आपको बताए अभी कोरोना आई थी, कह रहे तीसरी लहर भी कोई बोलते आने वाली, कितने कितने बच्चे मरे आपको बताए है, कितने कितने उम्र 14 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल, मेरे साथ में जो परिचित व्यक्ति थे
इतने लोग कहीं जहां में फोन करे सब कोरोना में मरे, कोरोना में मरे। एक व्यक्ति तो 40 लाख रुपया लगाया, उसका उम्र था 50 साल के, उसने 40 लाख रुपया लगा दिया बचाने के लिए, कभी बचा नहीं पाए। जिस दिन में बड़ौत आया, 3 व्यक्ति का मैंने जमुना में उनका अस्थि विसर्जन करके आया, एक बार 40 लाख रुपया हम बचा नहीं पाए। एक ने कहा मैंने 15 लाख रुपया बचाया लेकिन बचा नहीं पाया अपना पत्नी को। एक ने बोले मैं तो हमने 10 लाख रुपया लगाया लेकिन बच्चों का बचा नहीं पाया। इसलिए कोई कोई कहता अभी से क्या भजन करेंगे, हम क्या अभी मर रहे भजन करेंगे। भैया कहते निश्वास नैव विश्वास कदा रुद्ध भविष्य, हमने जो श्वास छोड़ा है ना, दो बार ये श्वास छोड़ पाएंगे, किसको पास में कोई गारंटी है क्या? बोलो किसको पास में गारंटी, जो श्वास लिया हम दो बार छोड़ पाएंगे, कोई बोल सकते है? वो ही नहीं बोल सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते भैया भजन 5 साल से करो, कितने साल से? 5 साल से प्रभु का भजन करो है, 5 साल से। बोले 5 साल से क्यों करेंगे, बुढ़ापा में क्यों नहीं करेंगे? तब उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे मिट्टी जब कच्चा रहता है ना, कच्चा मिट्टी से अगर कुछ बनाना चाहे तो कच्चा मिट्टी से बन जाएगी, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है बनती है कुछ बताओ? जैसे कोरे कागज में जो लिखना चाहते वो लिख जाएगा, लेकिन जब कागज में एक बार लिख जाए उसको ऊपर लिखने के लिए जाओ लिखेगा दोबारा नहीं। जैसे कोई फूल जब खिला हुआ रहता है ना, उसको ठाकुर के चरण में चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल जब सूख जाए ठाकुर के चरण में चढ़ता है नहीं चढ़ता है, हैं? इसलिए उन्होंने जैसे छोटा पौधा एक जगह से उखाड़ो दूसरी जगह में लगाओ वो जम जाएगा, लेकिन जब पौधा का जड़ जब ज्यादा नीचे चले जाए ना, उसको उखाड़ करके दूसरे जगह लगा वो लगेगा नहीं, वो लग नहीं सकती है। इसलिए प्रहलाद कहते देखो बच्चों, इसलिए ये बचपन से जो चीज आदत डालोगे ना, अंतिम समय में वही आदत तुम्हारी बनी रहेगी, वही आदत तुम्हारी। इसलिए बच्चों को कोई चीज पढ़ाओ लिखाओ झट कैच कर लेते कि नहीं, याद कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा उम्र हो गया उनको बोलो कोई चीज याद करो, याद होगा ही नहीं। इसलिए कहते हर चीज, इसलिए बचपन से जो हम आदत डालेंगे ना, वो अंतिम समय में वही आदत बनी रहेगी। इसलिए जिन लोगों का उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी जिन लोगों का उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, अब समझो आज ठाकुर को 10 मिनट बैठ करके याद करें, कितना मिनट याद करोगे? 10 मिनट। कितना मिनट? 10 मिनट। आप केवल 10 मिनट बैठो आप ठाकुर को याद करेंगे, देखना 1 मिनट भी तुम्हारी मन प्रभु का भजन में नहीं लगेगा। 10 मिनट या 1 घंटा भी बैठ जाओ, लास्ट में जो उठोगे ना देखना 1 मिनट भी भजन में नहीं लगा तुम्हारी। क्यों? जो अंदर में भरा हुआ वही तो निकलेगा ना, जिंदगी भर तो भजन किया ही, जिंदगी भर इधर उधर किया, देखना आँख बंद करते ही वही बेटा बेटी नाती पोती दुकान वकान सब वही रहता है। क्यों? जिंदगी भर तुमने किया वही काम, जो भरोगे तो वही निकलेगा ना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते भजन कितना साल में करनी चाहिए? 5 साल उम्र से भजन करो। आप बताओ मीरा कितने साल से भजन की थी बताओ तो? 5 साल से। कोई बारात जा रहा था, मीरा अपना मैया से पूछा, बोले मैया ये कौन घोड़े के ऊपर जा रहे हैं? बोले ये दूल्हा जा रहे हैं। बोले मैया मेरा दूल्हा कौन? तो उन्होंने घर में लड्डू गोपाल था, बोले ये तुम्हारे दूल्हा? बोले ये मेरी दूल्हा कृष्ण, मीरा तब से अपना कृष्ण को अपना दूल्हा मान ली, और लास्ट में कृष्ण ही मिले हैं कृष्ण। हनुमान जी कितने उम्र से भजन की? बोलो कितने उम्र से? बचपन से। ध्रुव प्रहलाद कितने उम्र से भजन की? तुलसीदास कितने साल से भजन की? आप जितने शास्त्र ग्रंथ देखो ना, कोई बूढ़े होकर भजन नहीं किए, ये सब बचपन से भजन किया, तभी लास्ट में उनको सिद्धि प्राप्त हुई। इसलिए कहते भैया भजन बचपन से शुरू कर दो, जाना बड़े दूर है, जाना बड़े दूर है। अगर अभी से शुरू कर दोगे ना फिर क्या होगा, एक दिन हम प्रभु के पास में पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। अभी जिनको उम्र ज्यादा हो गया फिर क्या करोगे? बोले नहीं, शास्त्र कहता है जब से होश आए तब से ब्रह्म का भजन करना शुरू कर दो, जब से तुम ज्ञान प्राप्त हो तब से गले में तुलसी कंठी पहनो, तिलक लगाओ, भगवान की माला जप करो, हैं? इसलिए बोले राम नाम की माला जब का कोई दिल वाला, कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला।
बर्थडे में अपना शादी के साल अगले में डीजी बजा करके उल्टा पुल्टा गंदी गंदी फिल्मी गोबर में पता नहीं कितने लोगों को शराब पिला कर कितना बोतल तुड़वा देते हैं, कितने मुर्गा को कटवा देते हैं, ये सब काम नहीं करनी चाहिए। संत लोगों का कहना है जिसके उद्देश्य में इतना बोतल तुड़वाओगे, इतने जानवर को मारोगे ना, जिसकी उद्देश्य में कर रहे उसको सारे पाप उसको पड़ेगा। एक बहुत बड़े संत कह रहे हैं अगर वो 100 साल जिंदा रहेगा रहने वाला होगा ना, उसी दिन वो 50 साल में उतर कर आएगा, क्योंकि तुम उसको उद्देश्य में इतने गंदे गंदे काम किए। लेकिन अगर जिसके उद्देश्य में प्रभु का कीर्तन करवाओ, सत्संग करवाओ, अगर उसका 50 साल होगा ना, उसी दिन उसका 100 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100।